ये पानी पिछले 3-4 दिन से भरा हुआ है, बारिश भी बंद हो गई। इस पानी, ये नेशनल हाईवे है और कई कॉलोनियाँ, हरिओम कॉलोनी, शियाराम नगर, ये मुख्य मार्ग है जवाहर की रोड पर जाने वालों का। इस रोड पर हमने कई बार प्रशासन, नगर निगम, सीओ को लेटर दिया है कि इस रोड पर आप ये जो पानी है, कचरा है, जो गाड़ियाँ खड़ी रहती है, निगम प्रशासन का कोई ध्यान नहीं देगा। हमें उग्र आंदोलन के लिए हमने इसको रोड जाम करा था, प्रशासन ने हमें आश्वासन दिया था कि हम कुछ ही समय में इसका पानी का निशान कर देंगे, लेकिन आज दिनांक तक कुछ नहीं हुआ। बारिश को बंद हुए भी आज 3 दिन हो गए। मुख्य मार्ग होने के कारण कई लोगों को आने जाने में बाधित हो रहा है, लेकिन प्रशासन का ऐसा कोई ध्यान नहीं है। यदि प्रशासन अभी भी सुध नहीं लेता है तो कल को कोई बड़ा जनहानि हो जाएगा, उसका जिम्मेदार कौन होगा? क्योंकि इस पर बीच में खड्डे हैं इतने गहरे, और हाईवे होने के कारण बाहर का अगर नागरिक आएगा और वो अचानक उसका संतुलन बिगड़ गया और वो कोई भी हानि होती है तो उसका प्रशासन ही जिम्मेदार होगा। प्रशासन को अवगत करा दिया गया है, यदि प्रशासन पंप लगा के या किसी भी तरह के पानी को खाली नहीं करता है तो बड़ी जनहानि होने का खतरा रहेगा। मच्छर हो रहे हैं, नगर निगम की जो गाड़ियाँ हैं, कचरा भी वो वहीं डालती है। सामने जो रेस्टोरेंट है वो उनकी बची हुई नॉनवेज की गंदगी भी वहीं डालते हैं, उस वजह से बीमारी का खतरा तो आए दिन रहता है। आगे ये कच्ची बस्ती है, इसके लिए हमने प्रशासन को लिखित में शिकायत दी हुई है कि कोई भी बीमारी, स्वास्थ्य मंत्री को भी हमने ज्ञापन दिया है इस चक्कर में, नगर निगम के स्वास्थ्य अधिकारी को, नगर निगम के इंस्पेक्टर को, सबको ज्ञापन दिया। अगर हमारी सुनवाई नहीं होती है तो हम इसके लिए उग्र आंदोलन करेंगे, जो हाईवे उसको जाम करेंगे, उसका समस्त जिम्मेदार नगर निगम प्रशासन होगा। सीओ मैडम को हमने ज्ञापन दिया हुआ है लेकिन आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। ये ब्यावर रोड मुख्य मार्ग है, जो कई अंदर कॉलोनी है जिनको जोड़ता है, हरिओम कॉलोनी, सियाराम नगर और सोमलपुर, हजारों यात्री यहाँ से रोज निकलते हैं, और हाईवे है सागर मीणा, हरिओम कॉलोनी, जवाहर।